मॉर्निंग क्लास 5th, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, हम चल रहे थे एक्सरसाइज 4 पर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि यू हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 3 इन योर फेयर नोटबुक, एंड आई होप यू ऑल हैव कंप्लीटेड योर वर्क वेरी वेल। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या पढ़ा था कि आपको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, और मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि असेंडिंग मींस टू गो फ्रॉम स्मॉल टू ग्रेट, है ना, छोटे से बड़े की ओर जाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना इज असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल अपोजिट है। डिसेंडिंग में हम ज़्यादा से कम की ओर आते हैं, बड़े से छोटे की ओर आते हैं, मतलब वी हैव टू अरेंज दीज नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे? पहले सबसे बड़ा नंबर छांटना है, वो लिखना है, फिर उसके बाद रिमेनिंग नंबर में से सबसे बड़ा, फिर उसके बाद रिमेनिंग नंबर में सबसे बड़ा, और एंड में सबसे छोटा नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम अरेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, आप काउंट कीजिए कि जिस नंबर को आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, संख्याएं बराबर हैं या नहीं। देखिए, इसमें 3 and 3 6 8 8 8 8, इन चारों ही नंबर में 8 डिजिट दी हुई हैं। अब हम देखते हैं, पार्ट ए इज़ 43 मिलियन, ये चारों ही स्टार्ट हो रही हैं 43 मिलियन से। तो इस बेसिस पे हम डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अच्छा, उससे आगे देखते हैं, इट इज़ 6,000, 60,000, 600,000 and 600,000। अब देखिए, ये है 600, ये दोनों कितने हैं 600, लेकिन ये है 6 और ये है 60, तो ये तो ऑब्वियस है कि 600 इज़ मच मोर देन 60 and 6। तो अब हमें पता लग गया कि जो सबसे बड़ी डिजिट होगी, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, वो इन दोनों में से होगा, क्योंकि इधर तो 43 मिलियन 6,000 है और 43 मिलियन 60,000 है, लेकिन इधर 43 मिलियन 600,000 है। अब देखते हैं आगे, इट इज़ 43 मिलियन 600,000 and 43 मिलियन 600,000। नेक्स्ट इज 700, एंड इधर क्या है 800। अब आपको क्लियर हुआ डिफ्रेंसिएशन? देखिए स्टूडेंट्स, इधर दिया है 43,600,789 और इधर दिया है 43,600,879। इधर 700 दिया है और इधर 800 दिया है, तो आपको पता है 800 बड़ा होता है और 700 छोटा होता है। तो फर्स्ट नंबर पे ये डिजिट आ जाएगी और सेकंड पे ये। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, दिस वे, फर्स्ट नंबर पे आपने लिख दिया 43,600,879 और सेकंड नंबर पे आपने लिख दिया 43,600,789। अब आपको दो नंबर की प्लेस समझ आ गई है ना, ये दो नंबर की प्लेस आपने लिख दी। अब आपके पास दो नंबर और बचे हैं, क्या है, 43,600,000 एंड 43,600,000। ये है 43,600,000 और ये है 60,000। तो आपको पता है 60,000 ज़्यादा होता है और 6,000 कम होता है, इसका मतलब ये वाली डिजिट आ जाएगी थर्ड नंबर पे। तो देखते हैं कैसे करेंगे।
और ये जो रिमेनिंग है ये इन चारों में सबसे छोटा नंबर है, तो ये हम लिख देंगे सबसे एंड में। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड तो हम पहले ही डिटरमाइन कर चुके थे, थर्ड आ जाएगा 43,060,789 और सबसे छोटा नंबर क्या है, 43,006,679 ये आ जाएगा सबसे एंड में, जो कि सबसे छोटा नंबर है। तो देखिए हमने इनको कैसे अरेंज किया है, सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, और इस सबसे छोटा, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ए बी सी इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स अपने आप फेयर नोटबुक में सॉल्व करोगे। मैंने आपको समझा ही दिया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ज़्यादा से कम की ओर आना। ज़्यादा से कम की ओर आना मतलब पहले सबसे बड़ा नंबर ढूंढो। देखो इनमें सबसे बड़ा है ये 7,431,865, उससे छोटा है ये 7,413। देखिए इधर 431 था और इधर 13 है, तो 13 वाला आएगा बाद में क्योंकि छोटा है, और 31 आएगा पहले क्योंकि ये बड़ा है। फिर उसके बाद 300 एंड 100 आपने अरेंज कर लिया इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स पार्ट सी देखिए, इट इज़ 12,28,53,989। इधर देखिए 12,28,00,000, इधर 53,000 था, इधर 35,000 है, इसलिए सबसे बड़ा पहले लिख दिया, फिर उससे छोटा बाद में लिख दिया। उसके बाद 11,82,00,000 है और इधर 11,28,00,000 है, तो 82 बड़ा होता है इसलिए इसे थर्ड नंबर पे और ये फोर्थ। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत ही आराम से अरेंज कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आज आप लोगों का होमवर्क है स्टूडेंट कि आप लोगों को एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। और हाँ, सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, एक बार अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है स्टूडेंट्स। और आज आप लोगों की एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5।